नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए कवरेज के साथ। मैं हूं जगजीत। देखते रहिए भारत उदय समाचार। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। कीरत करो, नाम जपो, वनत चखो। आपको बता दें, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव वह विशोभा यात्रा यहाँ पर दादरा नगर हवेली के सिलवासा में पहुंचा। किलवाणी नाका पर पहले स्वागत हुआ, उसके बाद दादरा नगर हवेली के जो कलेक्टर हैं संदीप कुमार सिंह, उनके कार्यालय के पास पहुंचा और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें शॉल ओढ़ाया गया है, उन्होंने माथा टेका है और यहाँ पर देख सकते हैं दादरा नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह अपने सर पर रुमाल रखते हुए उन्होंने फिर जाकर जो गुरु नानक देव जी का शोभा यात्रा था वहाँ पर उन्होंने माथा टेका, प्रणाम किया। वहाँ पर उन्होंने फिर साहब के साथ एक तस्वीर खिंचवाई। सभी लोग उनका स्वागत जोर शोर से किए हैं। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद जो दादरा नगर हवेली के मामलादार हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा देख सकते हैं यहाँ पर अब स्वागत किया जा रहा है। देखते रहिए पूरा कवरेज। इंटरव्यू भी है इसमें, जो दादरा नगर हवेली पंजाबी एसोसिएशन है वो सभी इन्होंने क्या कहा है इस शोभा यात्रा के बारे में वो भी आपको सुनाई देगा। और कैसे कर्तव्य किया गया है दादरा नगर हवेली के किलवाणी नाके पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने कर्तव्य किया है इस खास मौके पर। देख सकते हैं कैसे ये कर्तव्य किया जा रहा है। और काला पट्टा बांधकर एक युवक रहता है, उसे ये जो कार्यक्रम है उसे करना होता है। देखिए सब मिलकर वापी दमन सिलवास की संगत मिलकर हम 550 गुरु नानक देव जी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम उनका बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो ये था कि वंड छको, सबके साथ
बांट के खाओ, पुअर नीडी का हेल्प करो। और उन्होंने जो हमारे में जो लंगर की प्रथा चली है उसमें सब धर्म के लोग बिना भेदभाव हम लोग पंगत में बैठ के यात्रा निकाली गई है, तमाम लोग जिस तरह देखिए, मैं DNH पंजाबी एसोसिएशन के पूरे टीम मेंबर्स यहां पर हाजिर हैं। मैं आपके माध्यम से आज ये जो संदेश है पूरे देश और दुनिया में देना चाहता हूं कि हमारे सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी, जिनका 550वां गुरु प्रकाश दिवस जो है वो बहुत धूमधाम से पूरे देश और विदेश में मनाया जा रहा है, इसको समर्पित बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पंजाब में, देश भर में और दुनिया भर में चल रहे हैं। पिछले 6 महीनों से बहुत सारी यात्राएं जो हैं वो देश दुनिया में की गई हैं, कुछ यात्राएं संपूर्ण हो चुकी हैं, कुछ यात्राएं अभी भी चल रही हैं। आप जो यहां पर एक इतना बड़ा समूह आज हज़ारों की गिनती में देख रहे हैं, यह भी उसी को समर्पित एक प्रोग्राम है। हम गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार वापी में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 12 तारीख को मंगलवार के दिन मनाने जा रहे हैं, उसी को समर्पित ये एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हज़ारों की गिनती में आप देख रहे हैं कारें, मोटर बाइक्स को शामिल किया गया है। इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी आपने देखा जो अभी यहाँ से निकल के गई है, उनको हमारे साथ में चल रही है। इसमें विभिन्न तबके के जो समाज के लोग हैं उन्होंने हमको बहुत ही सहयोग किया है, सब लोग दर्शन के लिए आए हैं, और उच्च पदाधिकारी जो यहाँ प्रशासन के हैं उन्होंने भी इसमें शामिल होकर के इसमें जो है आज आशीर्वाद लिया है। मैं अपनी तरफ से ये सब का समाज का और प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग जो है हमारे समाज को दिया है। और क्या क्या है, मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है जो जिस तरह से सहयोग मिला है। और हमारे कलेक्टर साहब भी जो गुरु ग्रंथ साहब जी के श्रद्धा सुमन चढ़ाने आए, तो अभी आगे जैसे वापी जाएगा, वापी से दमन जाएगा, तो हमारे जो प्रशासक हैं, महोदय हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, उन्होंने भी हमको इस आश्वासन दिया है कि वो बीरा के ढाबे के ऊपर आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के, गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस के ऊपर ये अपने भेंट करेंगे। धन्यवाद। हमारे पंजाबी कल्चर में रहा ही है, लंगर की एक परंपरा रही है जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और सभी समाज के सभी लोग जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, सब ने अपना अपना योगदान दिया है। और मैं सभी महिलाएं बहनों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। धन्यवाद। इसमें आपने देखा होगा कि हमारे ये जो शोभा यात्रा निकली है उसमें सारी सह परिवार सहयोग देते हैं, भजन कीर्तन करते हुए गुरु नानक देव जी का स्वागत करते हैं, उनके आदर सम्मान में ये पर्व निकाला गया है। और आदमी और औरत जो आप देखें, हम लोग सब जेंट्स और लेडीज मिल के बराबर का सहयोग देते हैं, इसमें ये सबसे बड़ी बात है। और सबके लिए खुला लंगर है ईश्वर की कृपा से। जन्मदिन इस साल 12 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हो रहा है और इसको पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ तक पता है कि करतारपुर का बॉर्डर भी इमरान खान जी ने खोल दिया है ताकि हमारी सिख कौम करतारपुर साहब का भी दर्शन कर सके, इसी श्रृंखला में हमारे वापी, सिलवासा, दमन, इन तीनों क्षेत्रों में हम लोग आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और इस शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह 10:30-11 बजे चन्नौत गुरुद्वारे से हुई है और अब सिलवासा पहुंची है। सिलवासा में इसका स्वागत सिलवासा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सिलवासा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा, व्यापारी एसोसिएशन, हमारे SMC के मेयर श्री राकेश सिंह चौहान जो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं उन्होंने, और कलेक्टर साहब ने भी, उनका कलेक्टर ऑफिस के बाहर जब ये शोभा यात्रा पहुंची तो दर्शन किए, उसके बाद मामलतदार श्री तीर्थराम शर्मा जी ने भी उनके दर्शन किए। इस तरह सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस शोभा यात्रा को का दर्शन लाभ उठाया और इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। और अब ये शोभा यात्रा सिलवासा से भिल्लाड़, करमबली और चला, उसके बाद दमन, उसके बाद वापी, शाम को अम्बा माता मंदिर के बाहर।